नहीं, तेरी माँ की तरह बह रहा हूँ मैं, सुनता ही हूँ। हर बार में मेरे खानदान को क्यों बीच में लाते हो तुम? हाँ, वैसे पता है मैं कहाँ गई थी? मुझे बता के गई थी? नहीं। तो फिर मेरे को कैसे पता होगा कहाँ गई थी तू? कुछ कुछ पता है। ये दादी को क्या हुआ? पता नहीं, कोई इसका स्विच दबा गया, पोता मोड़ पे आ गई है। मोड़ पे नहीं, मोड़ पे नहीं, मूड में आ गई हूँ। और ये बता, तू ये चकने जैसा मूली के कहाँ से आ रही है? मूंगफली कहीं की? बाहर क्या दादी कह रही है कि आपकी लड़ाई हो गई? अबे लड़ाई नहीं हुई दादी, तो पी के दिमाग खराब होगा उसका। इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। घर में हाथ धोने के लिए साबुन है नहीं, चले इलेक्शन लड़ने। तो साबुन का इलेक्शन से क्या लेना, वोट मांगने के बाद का हाथ गंदे हो जाते? अबे एक बार जीत रहे थे मेरे को, घर में इतने साबुन रखूंगा, इतने साबुन, सुबह ब्रेड के बीच में साबुन डाल के खाया करना। संघर्ष करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड, तू मेरे साथ है इसलिए तो संघर्ष कर रहा हूँ मैं। इसकी सपोर्ट भी मिलती है ना, मेरे को डर लगता है। आपको पता बाजी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे इसके दोनों हाथ चारों होठ हैं। आप ऐसी बातें करेंगे ना तो आप वोट नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और सही बात है, बाबा जी का ठुल्लू इनको मिल जाएगा। न्यूज भी बड़ी अजीब अजीब से होंगी, ये शर्मा जी 5,000 ठुल्लुओं से पीछे चल रहे हैं। दूध तक नहीं था, वो तो मेरे पापा ने शादी में तुम्हें बकरी दी थी ताकि उनकी बेटी को चाय तो नसीब हो। पापा ने बकरी दी, बेटी तो दी नहीं उन्होंने। और बकरी भी कौन सी थी मैं बताता हूँ, ऐसी भूखी नंगी बकरी दी इन्होंने। वो कसम से भाजी, डेढ़ पार दूध देती थी, हमारा 2 लीटर पी जाती थी। पहले पता होता ना, इतना भूखकर खानदान है तुम्हारा, मैं कभी शादी नहीं करती तुमसे। हमारा भूखकर खानदान है। हाँ। इसके बाप की अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। आपका ये नौकर ना? हाँ। सर बहुत गंदा है, जब तक मुझे घूरता रहता है। इसे नौकरी से निकाल दो। लो, घूरता रहता निकाल दो, कल को तुम कहोगे मेरे को और सिद्धू पाजी को भी निकाल दो। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे में मार देता। आप थोड़ी ना मुझे घूरते हैं। ओ, मैं नहीं घूरता, लेकिन डायरेक्ट सिद्धू पाजी को थोड़ी ना बोल सकते हैं। सर प्लीज, इसे नौकरी से निकाल दो या तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दो, बस। मैं दोनों को निकाल सकता हूँ, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ, तुम्हारी वजह से टिका हुआ है। अच्छा, तो फिर सर, सर प्लीज मुझे ना हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए ना सर। हाफ डे की? हाँ, वो क्या है ना, मेरी बुआ आई हुई है तो मुझे ना बॉम्बे घुमाना है। बुआ आई है तेरी? हाँ, हाँ। वही बुआ ना जिसका मोटरसाइकिल के पीछे कल बैंड्रा घूम रही थी। सर, आप ना बहुत नॉटी हैं। मैं नॉटी हूँ? है, मैं नॉटी हूँ, कसकस के ब्रेक मारे तेरी बुआ और नॉटी मैं। कौन बदतमीज है? देख तेरे को बदतमीज बोली। वो तो अपने आप को टैलेंटेड भी बोलती, मैंने कभी माना? चप्पल का साइज देखा है? यस बेबी, 3 नंबर है। ए, ये कोई मेमने की बिटी है क्या जो 3 नंबर बता रहे ले? ये पागल है, मेमने को 4 नंबर आता है, ये मेंढकी है, इसको 3 आता है। देखा हमारी शक्ति, अभी मंत्र पूरा नहीं बोला, चढ़ेल अपने आप बाहर आ गई, पकड़ो इसको। ओ बाबा जी, ये मेरी होने वाली बीवी है। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, शक्ल देखिए अपनी, बाजार से ले नहीं सकता, कीवी बनाएगा मुझे बीवी। वाह, एक कीवी की बात कर रही है, वरना ऐसी लड़कियां 50 ग्राम बेर में भी फट जाती हैं।